ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। एक बहुत ही पावन घड़ी चलने लगी है और आज है अमावस्या और कल है नवरात्रि, कल से शुरू हो रही है। तो इन दिनों में जो भी आप कर्मकांड करेंगे वो फलित होते हैं बहुत ही जल्दी। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है कोई भी मेरा कोई भी मंत्र उठाइए और उसको जपना शुरू कर दीजिए। आपको बिना सोचे कोई भी मंत्र आप आज कर सकते हैं, क्योंकि आज और अगले 9 दिन में आपको कोई भी वार, मुहूर्त, नक्षत्र कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो है देवी के दिन चल रहे हैं। अभी आप कोई भी अपना प्रयोग कर सकते हैं और वो सफल रहेगा। तो मेरे से बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बड़े ही अटपटे से हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने कुछ मासिक धर्म से वशीकरण के मंत्र भेजे थे, जो मैंने अपलोड किए थे। उनमें सिर्फ एक ही प्रोसेस था कि आपको पहले दिन में ये प्रोसेस करना है, लेकिन फिर भी लोग बार बार मुझसे एक ही सवाल कर रहे हैं कि कौन से दिन करना है, क्या वार होगा, क्या नक्षत्र होगा। तो देखिए, अभी तक जो भी मैंने पोस्ट किए हैं उनमें पहले दिन का प्रयोग मैंने आपको बताया है, लेकिन आपकी सुगमता के लिए मैं कुछ आज ऐसा बताऊँगा जिसको कि आप 5 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये जो प्रयोग हैं ये रसायन में आते हैं और ये ऐसे होते हैं कि इनसे कोई बच नहीं सकता। बहुत से क्लाइंट ऐसे भी आते हैं जो कि कहते हैं कि हमारे पति पर कुछ कर दिया गया है, कुछ खिला पिला दिया गया है, तो वो यही चीज़ होती है, इससे बचना थोड़ा मुश्किल है। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने घर पर ही बना सकते हैं और अपने पति को, अपने बिगड़ायल पति पर नकेल कस सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिएगा कि कोई भी शुभ मुहूर्त देख लीजिए जब आप ये कर सकें। ऐसा नहीं है कि आपको कोई होली दिवाली देखनी है, कोई भी शुभ मुहूर्त, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, किसी भी दिन कर सकते हैं। जिस दिन आप कर सकें उस दिन आपको एक सूती का कपड़ा ले लेना है। सूती का कपड़ा लेकर उसको अपने रुधिर से लाल कर देना है। सफ़ेद कपड़ा लेना है, सफ़ेद कपड़ा लेकर उसको लाल कर देना है। और उसके बीच में जो भी आपके साथी हैं, जो भी आपके पति हैं, जो अभी आपसे मनमुटाव रख रहे हैं या फिर आपकी बात नहीं मान रहे, उनकी फ़ोटो इस कपड़े में लपेट देनी है। और सूत आता है सफ़ेद रंग का, उस सूत से इसको बांध देना है बाहर बाहर से। और इसको बांधते हुए जो है एक मंत्र बोलना है। वो मंत्र आपको मिलेगा sirstops.com पर। वहाँ पर जाइए, इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा कैसे ये करना है, कौन सा मंत्र है। और उस मंत्र को बोलते हुए इस सूत को बांधना है उससे। जब आप ये 7 बार मंत्र बोल लें तब उस सूत में गांठ मार दें। ऐसा आपको 7 बार करना है, 7 बार 7 गांठें लगेंगी उसमें। और इसके बाद इसको किसी भी नदी में आपको प्रवाहित कर देना है। जितना दूर ये जाएगा उतना ही आपका जो पति है वो आपके प्यार में व्याकुल हो जाएगा। ये आप किसी पर भी कर सकते हैं, अपना बॉयफ्रेंड हो, कोई आपके पति हैं जो बिगड़ायल हो, बिल्कुल ही मानते ना हो, तो उन सब के लिए रामबाण औषधि है। एक बार कर दिया तो यूँ समझिए ज़िंदगी भर के लिए वो आपके गुलाम बन के रह जाएंगे। लाखों पर ये मैंने ट्राई किया है, उसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ। और जैसे ही आपको इसका कोई असर दिखे, जैसे ही आपको इसके बारे में ज़रा सा भी लगे कि हाँ ये चीज़ काम कर रही है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जितने भी मंत्र हैं इनको सब, इन सबको मैं अपनी बुक में सम्मिलित करूँगा। तो उसके लिए मुझे चाहिए होता है कि आप रिस्पॉन्स दें और उसी आधार पर मैं इनको अपनी बुक में डालूंगा। तो इसको यूज़ कीजिए और किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आए तो मेरी वेबसाइट पे जाइएगा sirstops.com, और अगर वहाँ पर भी आपको समाधान ना हो तो मुझे कॉल कीजिएगा 9982416625 पर। धन्यवाद।